दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, तो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी निकली है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और बेल बटन को प्रेस करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वैकेंसी है क्या और क्या रिक्वायरमेंट है वैकेंसी के लिए, आप एलिजिबल हैं क्या नहीं। तो ये वैकेंसी निकली हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में निकला हुआ है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि स्टेट लेवल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड आंध्र प्रदेश मनागिरी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ये निकला हुआ है, जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्टेट लेवल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड आंध्र प्रदेश इनवाइट एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू बी मेड अवेलेबल वेबसाइट, जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 5/11/2018 से लेके 24/11/2018 मीन 24 नवंबर इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो टोटल वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी निकला हुआ है 334 और अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग पोस्ट के लिए निकला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पोस्ट है वो ये पोस्ट कोड है 11, तो ये स्टेपेंडरी कार्ड ट्रेनी सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी है जो 7150 है, फिर 75 है, 75 है, 10 है। तो टोटल 6 अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल 334 वैकेंसी है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर ग्रेड में जॉब पाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, आप इसमें क्वालिफाई कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो 16 दिसंबर को होगा, वो भी पेपर 1 फॉर्म में जो 3 घंटा का होगा। उसके बाद पेपर 2 होगा जो 2:30 से 5:30 से होगा सेम डे में। तो ये जो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है उसे उसके लिए आपको एक हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो वैकेंसी निकली हुई है वो अलग अलग जोन के लिए निकला हुआ है, जो कि जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4 के लिए है। तो जोन 1 विशाखापट्टनम, इलोरू, गुंटूर एंड कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में निकला हुआ है, और जोन के वाइज अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ है और पोस्टल कोड यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। तो आप कंप्लीट डिटेल इसको पढ़ें, और यदि आप आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि बाहर से करेंगे तो अनरिजर्व रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट जो तेलंगाना और आंध्र के हैं वही यहाँ का रिजर्वेशन कोटा का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बाहर से वैकेंसी जो अप्लाई करेंगे उसको आपको जनरल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक कंप्लीट डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ एज लिमिट जो है, एज लिमिट है वो 21 से लेके 25 साल तक है, जो कि 11/12/13 जो पोस्टल को पोस्ट कोड है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एज लिमिट है। तो आप अपने जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना एज आप यदि 16 के लिए अप्लाई कर सकते कर रहे हैं तो 18 से लेके 30 साल तक आपका एज होना चाहिए। उसके बाद जो भी आपको एज में छूट मिलती है वो आपको छूट मिलेगी। तो ये बेसिकली वीडियो में इतना ही है। आप एक एडवर्टीजमेंट को पूरा कंप्लीट पढ़ें अप्लाई करने से पहले, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।